ए विनोद पीछे पीछे ओके ना आज की वीडियो में आपको काजोल देवगन का और निशा देवगन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काजोल और अजय देवगन की बेटी निशा देवगन आजकल खूब चर्चा में है। कभी उनकी कोई ड्रंक वीडियो सामने आ जाती है तो कभी वो अपने रिवीलिंग और बोल्ड आउटफिट को लेकर चर्चा में आ जाती हैं। निशा देवगन को पार्टी एनिमल कहा जाता है और वो बॉलीवुड की हर पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड ओरहान के साथ नजर आती हैं। निशा और ओरहान का एक रिलेशनशिप एक अलग बात है, लेकिन इस सब पर आज काजोल देवगन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। काजोल देवगन से जब उनकी बेटी के बारे में पूछा गया और उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी, उनकी कंट्रोवर्सीज और इस तरह की वीडियो सामने आने के बारे में बात की गई तो काजोल देवगन ने सबके मुंह बंद करवा दिए। काजोल देवगन का कहना था कि उन्हें अपनी बेटी पर फख्र है। काजोल देवगन का कहना था कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी बेटी जहां पर भी जाती है वो अपनी डिग्निटी को मैनिफेस्ट करती है और उनकी बेटी की ये डिग्निटी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी की चॉइस और अपनी बेटी की फ्रीडम को सपोर्ट करती हैं। उनकी बेटी सिर्फ 19 साल की हैं और वो फन कर सकती हैं। ये ऐसी उम्र है जिसमें हम दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और अपने तजर्बों से सीखते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को फुल फ्रीडम दे रखा है कि वो अपने तजर्बे से सीखें और दुनिया को अपनी आंखों से देखें। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी को हर तरह का फ्रीडम दिया है और हर तरह का राइट है कि वो जो चाहे जिस तरह से चाहे कर सकती है, हम उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। चाहे वो रिवीलिंग ड्रेसिंग के बारे में बात हो, उसकी ड्रंक वीडियो के बारे में बात हो, काजोल देवगन का कहना था कि हर चीज़ में उसको सपोर्ट किया जाता है और वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहेगी वो कर सकती है, हम उसके साथ हैं। इसके साथ साथ जब काजोल से पूछा गया कि उनकी बेटी क्या बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं, क्या वो भी फिल्मी दुनिया में आने वाली हैं, तो उनका कहना था कि ये डिसीजन भी उनकी बेटी खुद लेंगी और वो अपनी बेटी के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। अगर उनकी बेटी बॉलीवुड में आना चाहेंगी तो वो उनको सपोर्ट करेंगी और अगर वो नहीं आना चाहेंगी तब भी वो उनको सपोर्ट करेंगी। आपको काजोल देवगन का निशा देवगन के लिए ये सपोर्टिव पेरेंटिंग रोल कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।